मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा संरक्षण सप्ताह आयोजन के शुभ अवसर पर एसडीएम जलेसर एसपी वर्मा ने एटा के रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन कराया। वहीं इस कार्यक्रम में नारी शक्ति ने सशक्तिकरण के संबंध में अपने अपने विचार मंच के माध्यम से रखे, जिसमें नीलम चक्रवर्ती अध्यापिका राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जलेसर के द्वारा नारी शक्ति पर गीत जिस दिन नारी शक्ति का झंडा घर घर में लहराएगा प्रस्तुत किया। वहीं इस आयोजन में तहसील स्टाफ में रविंद्र कुमार स्टेनो एसडीएम जलेसर खूब सिंह आमीन मनोज कुमार के साथ तहसील स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन विवेक प्रजापति एसडीएम जलेसर के द्वारा किया गया। इसी क्रम में चार व्यक्तियां नारी से संबंधित में उपस्थित कर रही हूँ। जिस दिन नारी शक्ति का झंडा घर घर में लहराएगा, उस दिन मेरे सपनों को साकार बनाया जाएगा। जिस दिन नारी शक्ति का झंडा घर घर में लहराएगा, उस दिन मेरे ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर शक्ति क्षेत्र आज मान लगी बेटियां, हर शक्ति क्षेत्र आज मान लगी बेटियां। वीर की शहादत पे, वीर की शहादत पे अर्थी को खाना देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। एटा से केकेडी न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। प्रदेश भर में चल रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना एटा आवागढ़ में पुलिस द्वारा थाना परिसर स्कूल कॉलेजों कोचिंग सेंटरों गांव व मोहल्लों में जाकर महिलाओं और बेटियों को उनकी सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने सम्मान सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक हों ताकि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सही रूप से साकार हो सके। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न हेल्पलाइन नंबर संचालित किए गए, जिसमें 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस। इन नंबरों को डायल कर पुलिस हर समय उनके साथ है, हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहे, जिसके संबंध में हर थाने पर महिला हेल्प डेस्क भी पूर्व से स्थापित किया जा चुका है जहां महिला अधिकारी के द्वारा ही सभी समस्याओं को सुना जाएगा व साथ ही उनके त्वरित निस्तारण भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाएं व बेटियां निडर व सजग होकर समाज में फैल रही बुराइयों का मुकाबला करें। परेशान करता है तो महिला हेल्पलाइन नंबर 2 जारी किए गए हैं, 181 10 नंबर 10 नंबर और 181। सरकार द्वारा एक मिशन शक्ति ऑपरेशन चलाया जा रहा है बच्चों लेडीज और लड़कियों की सुरक्षा के लिए, तो हम लोगों सभी को एक निर्देश दिया गया, बताया गया गांव गांव जाके स्कूलों में जाके सभी बच्चों को समझाए और बताए या कस्बे का या आते जाते समय स्कूल आते जाते चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 10 98 1098। एटा से केकेडी न्यूज ब्यूरो राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।